तो दोस्तों जितने भी लोग झारखंड उत्पाद सिपाही 2022 में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, देखिए 2019 का मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, पेपर सी का, ठीक है। इसमें आपको झारखंड जीके, मैथ और जितने भी होते हैं जीके वगैरह पूछे जाते हैं। तो झारखंड जीके कल हम लोगों ने कर लिया था, टोटल 50 क्वेश्चन थे इससे, ठीक है, पूछे गए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणित के बारे में, झारखंड उत्पाद सिपाही में जो गणित पूछा गया था मैथ उसके बारे में, ठीक है। तो टोटल 10 मैथ के क्वेश्चन थे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि 204, 1190 और 1445 का म स प क्या होगा, यानी कि महत्तम समावर्तन क्या होगा। इंग्लिश में इधर पढ़ सकते हैं, द एचसीएफ ऑफ 206, 1190 एंड 1445 इज क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपको 17। ये सब सॉल्व करना है आपको खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, मैं हिंदी से ये पढ़ता हूँ यार, ऐसी संख्याएं जिसके पांचवें हिस्से में चार की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी आपकी 280। इसको आप लोग अल्टरनेट भी निकाल सकते हैं और इक्वेशन लगा कर भी निकाल सकते हैं, एक्स वाई करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक भूखंड को, यानी कि मान लीजिए कोई एक खेत है, खेत को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है, यानी कि उस भूखंड को 85% पे बेच दिया। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो, तो वह 115% में बेच देगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 25,300 रुपये में बेचेगा, तो उसको कुल 15% का लाभ होगा अपने मूर निकाल के, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 12,500 की एक राशि का साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालना है कि रेट कितना है। तो सिंपली माइनस कर दीजिए 15,000 से, 15,500 को 12,500 में, तो 3,000 रुपया आ गया 4 वर्ष से। तो 3,000 रुपया को अगर हम 4 वर्षों में करेंगे, ठीक है, 3,000 रुपया और कितना वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष में लग रहा है, तो भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, जितना भी आएगा वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 6%, कितना, 6% रुपया आपका हो जाएगा ब्याज, ठीक है, 6% की दर से जोड़ रहा है ब्याज। अगला क्वेश्चन है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। 270 मीटर होगा इसका राइट आंसर। तो टाइम एंड सॉरी ट्रेन से भी क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से देखते हैं है या नहीं। तो है कि पाँच क्रमिक सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 4480 राइट आंसर आ जाएगा जब आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती हैं, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ ही गया। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, सीमता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती है, रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है, रजनी का वजन ज्ञात करें। तो रजनी का वजन आ जाएगा 60 किलोग्राम, ठीक है। तो ये वेट से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में भरे हुए हैं, इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, तो 16 रुपया है। देखिए सभी क्वेश्चन इजी हैं और 10th लेवल के ही हैं, ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगता है। ग्रुप डी की अगर बात किया जाए तो ग्रुप डी इसके सामने बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है झारखंड का। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया लेकिन उनमें 6 लोग गैर हाजिर हो गए और बाकी ने 20 दिनों में काम को पूरा किया, लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है। तो इसकी राइट आंसर आ जाएगा 60 आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है जनरल नॉलेज का सेक्शन, इसमें आपके टोटल अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो अगले बात को नेक्स्ट
वीडियो को हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग जनरल नॉलेज को पूरा पूरा कवर कर लेंगे। एंड इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। एंड जो भी हो, नौकरी लेना है अगर नहीं लगता है तो प्राइवेट में ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं कि यार सरकारी होगा तभी जीवन है, नहीं तो जीवन तो कुछ भी नहीं है ना, वैसा नहीं। जो भी हो, लाइफ को अच्छे से जिए यार, क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो वही मायने रखता है कि आप कितना खुशी से ज़िंदगी को जीते हैं। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।